नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। एनसीडी में देर रात महाभारत देखने को मिला और इससे जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीडी सदन में भारी हंगामा हुआ है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षदों के बीच हाथापाई हुई है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों ने एक दूसरे पर बोतल फेंकी है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों के बीच हाथापाई हुई है, बॉटल फेंकी गई है एक दूसरे पर। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर हंगामा हुआ है। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में धांधली का आरोप लगा है। छह सदस्यों के लिए नए सिरे से वोटिंग की मांग यहां पर की जा रही है। सिविक सेंटर में नारेबाजी कर रहे हैं बीजेपी पार्षद। देर रात देखिए यह हंगामा देखने को मिला है। देखिए स्थिति इस कदर बिगड़ गई कि हाथापाई तक की गई। दिल्ली नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव में तो देखिए आम आदमी पार्टी को बड़ी जीत मिल गई। मेयर के ये बात अब सबको समझ में आ रही है। भारतीय जनता पार्टी अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। वो अभी तक ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि दिल्ली की जनता ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया और एमसीडी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये चुनाव हो रहे हैं, वरना ये चुनाव होते भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी ये भी नहीं होने देती। ये शुरू से कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, मेयर बनेगा इनका, डिप्टी मेयर इनकी बनेंगे, और सबने देखा कि अंततः ये आज मेयर का भी हारे, डिप्टी मेयर का भी हारे, और अब ये स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव सिर्फ हार के डर से नहीं होने दे रहे। कल रात को हमने ये देखा कि जिस बैलेट बॉक्स में वोट डाले जा रहे थे उस बैलेट बॉक्स को भी भारतीय जनता पार्टी वालों ने चुरा लिया। मुझे बताया जा रहा है कि उस बैलेट बॉक्स के अंदर भी पानी वगैरह डालने की कोशिश ये लोग कर रहे थे। एक बेवजह की मांग को लेके इन्होंने सारा का सारा प्रोसेस जो है रोक रखा है। मेयर जो बेचारी पहली बार मेयर बनी है, उन्होंने कई बार इनको समझाने की कोशिश की, मगर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से गुंडागर्दी पे उतरी हुई है। सर, बीजेपी आरोप ये लगा रही है कि जो भी अभी तक 47 वोट्स डाले गए उसमें पारदर्शिता नहीं थी, उसमें आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो अपने तरीके से अपने वोट डाले। क्या तरीका होता है आप मुझे बताइए कि अगर कोई पार्षद वोट डालते समय अपनी जेब में मोबाइल ले गया तो क्या आप उसका वोट इनवैलिड कर देंगे? ये तो किसी कानून में नहीं लिखा। किस डीएमसी एक्ट के अंदर लिखा है मुझे दिखा दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है तो ये दिखा दीजिए। ये तो एक बेवजह की बात है। जो पूरा का पूरा एमसीडी का चुनाव हुआ उसके अंदर तो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन थी कि अगर कोई आदमी चाहे तो अपने साथ वो मोबाइल जो है पोलिंग बूथ तक ले जा सकते हैं, फिर क्या इनको समस्या है? ये सिर्फ जो है ये बहानेबाजी है, सिर्फ जो है इस पूरे के पूरे चुनाव की प्रक्रिया को रोकने की एक साजिश है और कुछ नहीं। सर, बीजेपी ये भी कह रही है कि जो मेंबर्स चुने जाने हैं, 7 मेंबर्स चुने जाने हैं, उनके पास की संख्या है, मेरे पास की संख्या है, मतलब आधे आधे मेंबर्स दोनों के होंगे, तो फिर से करवाने में क्या दिक्कत है उनको? कैसे कैसे उनके पास संख्या है? वो तो मेयर के लिए भी कह रहे थे कि मेयर उनका बन जाएगा, बन गया। डिप्टी मेयर भी कह रहे थे उनका बन जाएगा, बन गया। कुछ नहीं, हमारे 134 हैं, उनके 104 हैं। भाई इसमें तो बहुत फर्क है। ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे भी बराबर है? बिल्कुल नहीं है। हमारी मेजॉरिटी है और हमारी ही स्टैंडिंग कमेटी बनेगी, ये साफ है। भारतीय जनता पार्टी के लिए आधे आधे ऐसे कैसे आधे आधे बनने लेंगे? हमारी सरकार बनेगी। वो बोल रहे हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कोर्ट के जाए ना, क्यों इंतजार कैसे कर रहे हैं अब तक? क्यों नहीं चले जाते वो कोर्ट? चले जाए आज। बेईमान लोग कभी कोर्ट नहीं जाते। ये लोग बेईमान हैं, चीटर हैं। अभी अभी जब सुप्रीम कोर्ट हम लोग गए तो ये बात साबित की कोर्ट ने कि जो भारतीय जनता पार्टी कह रही थी, पहले दिन से कह रही थी, वो झूठ था, बेईमानी थी, इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात ये कर रहे थे, और कोर्ट से इनको फटकार इसलिए पड़ी। जाएं वहाँ पर फिर फटकार खा के आएंगे। ऐसे ही सर कब तक चलता रहेगा? बिल्कुल वोट कराएंगे और जब तक वोट नहीं होगा हम यहाँ पर बैठे। थैंक यू सर।
आपने सुना सौरभ भारद्वाज को। दरअसल आम आदमी पार्टी लगातार इस बात का जिक्र कर रही है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एमसीडी की जो पहली बैठक होगी उसमें ही तीनों चुनाव होंगे, फिर मेयर और डिप्टी मेयर का जब चुनाव हो गया तो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव आखिर क्यों नहीं होने दिया। और ऐसे में मोबाइल को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी एक विषय बना रही है, दरअसल इसको लेकर तो इलेक्शन कमीशन की ओर से भी गाइडलाइंस दी गई थी। ऐसे में अब सवाल यह बनता है कि आखिर आज जब बैठक होगी तो उस बैठक की क्या रूपरेखा रहने वाली है, क्योंकि जिस तरह देर रात तक हमने हंगामा देखा और ये तस्वीरें शर्मसार करने वाली हैं। यहां पर आप देखिए कि किस तरह से ये जनप्रतिनिधि हैं जो एक दूसरे पर इस तरह व्यवहार कर रहे हैं, अमानवीय व्यवहार आप देख सकते हैं, बॉटल फेंकी जा रही है, फल फेंके जा रहे हैं, धक्का मुक्की की जा रही है, वेल में पहुंचकर आप देखिए कि किस तरह से धक्का मुक्की हो रही है। यहां तक कि कहा गया कि मारपीट की गई और खासकर महिला पार्षदों से भी बदसलूकी की गई है। इसको लेकर दिल्ली की मेयर शैली ओब्रॉय ने भी ट्वीट कर कहा कि महिला मेयर से बदसलूकी की गई है। पार्षदों के बीच में, दोनों पार्टियों के पार्षदों के बीच में हाथापाई हुई, कईयों को चोट भी लगी है। हमने देखा किस तरह से बोतल फेंकी गई, सेब फेंके गए, इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं? देखिए, ये हैं भारतीय जनता पार्टी की जो मेयर की कैंडिडेट रही हैं, काफ़ी सीनियर उनकी लीडर हैं रेखा गुप्ता जी। पिछली बार ये MLA की भी कैंडिडेट रही हैं। अब देखिए जरा किस तरह से तोड़े जा रहे हैं, माइक तोड़ रही हैं। अब देखिए किस तरह से माइक तोड़ रही हैं। इसके अलावा आप ये देखिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद बैलेट बॉक्स को उखाड़ रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। ये हाल है, ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव हारने के बाद वो स्टैंडिंग का चुनाव नहीं कराने देना चाहते हैं और ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं जो कि पूरे की पूरी दिल्ली की जनमानस और जनता का जो वोट है उसका एक तरीके से अपमान है, निरादर है। सर, वो ये कह रहे हैं कि जो 47 मत डाले गए उसमें पारदर्शिता नहीं थी, आम आदमी के मेयर ने अपने तरीके से वोट डलवाया। चलिए मान लिया पारदर्शिता नहीं थी, तो आप ये करेंगे, बूथ कैप्चरिंग करेंगे, आप कोर्ट जाइए। अगर आपको किसी भी तरह का कोई संशय, हमें संशय था, हम कोर्ट गए थे, आप भी कोर्ट जाइए। लेकिन इस तरह से हाउस में मेयर का माइक तोड़ना, बैलेट पेपर को लूट लेना, उसके अंदर पानी डाल देना, बैलेट पेपर को ख़राब करना, बैलेट पेपर को फाड़ना, ये सब क्रिमिनल एक्ट है, इसमें तो जेल भी हो सकती है। तो सर, आपके पास तो वीडियोस हैं, क्या आप आगे कार्रवाई? नहीं, हम देंगे, मेयर को देंगे और मेयर जी को देंगे कि इनके खिलाफ़ रिकमेंड करें कि इनके खिलाफ़ कार्रवाई हो। वो ये कह रहे हैं सर कि उनको फिर से दोबारा मतदान करवाने में क्या दिक्कत है, क्योंकि हमारे पास भी संख्या है, उनके पास भी संख्या है, 7 मेंबर्स को चुने जाने हैं, तो 4 उनके 3 हमारे हो जाएंगे या फिर 4 मेरे 3 उनके हो जाएंगे, तो उनको डर किस बात का है? जैसे विधानसभा और लोकसभा का चुनाव होता है, मान लीजिए 7 बजे स्टार्ट हुआ, 12:30 बजे आप कहिए 10 लोग 20 लोग इकट्ठे होकर कहें कि भाई आज हमारे यहाँ लंच अच्छा नहीं बना, इसलिए हम आज वोटिंग चाहते हैं कि ये पोस्टपोन हो जाए, किसी और दिन करा दिया जाए। अगर इस लॉजिक से इस देश के अंदर चुनाव होंगे तो फिर तो कभी चुनाव हो ही नहीं सकते। आपको कोई चीज़ पसंद नहीं, इसका मतलब थोड़ी कि आप वोटिंग रुकवा देंगे, वोटिंग बाद में, वोटिंग होने दीजिए। आपको कोई ऑब्जेक्शन है, आप कोर्ट में चले जाइए, कोर्ट तो आपको तुरंत 24 घंटे के अंदर आपको राहत मिल जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ इस तरह की हरकतें करके दिल्ली के अंदर वो चाहती है कि किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी को परेशान किया जाए। आम आदमी जिस तरह से अपार जन बहुमत के बाद भी वो इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हैं मेयर डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग का चुनाव होने में, तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह की व्याकुलता उनके अंदर। वो ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि फिर से री इलेक्शन हो, फिर से मतदान हो और जो मत पड़े हैं उसको कैंसिल किया जाए, फिर से मतदान हो, अगर ऐसा नहीं होता है तो हम सदन को चलने नहीं देंगे और साथ में हम कोर्ट भी जाएंगे। नहीं, कोर्ट तो उनको तुरंत जाना चाहिए, लेकिन हम पूछना ये चाहते हैं आपसे कि मान लीजिए कि कहीं भी इस तरह का मतदान हो रहा है, आपको पसंद नहीं आया तो आप इसका मतलब थोड़ी मतदान कहेंगे फिर से हो। मान लीजिए इसकी क्या गारंटी फिर से स्टार्ट हो, 50-60 वोट पड़े, फिर आपको अच्छा ना लगे, फिर आप कहेंगे कि जी फिर से वोट कराओ।
जी इस देश तो संविधान से चलेगा, देश तो सिस्टम से चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, ऐसे थोड़ी ना होगा। वो खासकर बीजेपी के लोग मेयर पे भी आरोप लगा रहे हैं कि वो झूठी आरोप लगा रहे हैं, ऐसा कोई भी वीडियो साक्ष्य नहीं है जिस पे मेयर पे अटैक हुआ। आपको मैंने वीडियो दिखाया, आप ये वीडियो देखिए, आप ये वीडियो देखिए कि मेयर के ऊपर अटैक के वीडियो भी आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मेयर के ऊपर अटैक का वीडियो। ये देखिए, ये मेयर बैठी हुई है इस तरह से, देखिए ये इनका क्या काम है मेयर के सीट के पास जाके बदतमीजी करने का। तो ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी पागल हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से गुंडागर्दी पे उतर गई है। तो अब इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए अब आपकी ये स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्या आप सदन को रोकेंगे? देखिए शायद सदन चल रही है, बीच बीच में चलती है रुकती है, चलती है रुकती है, वैसे ही चलती रहेगी। देखिए शायद पूरे देश के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार होगा कि एक मेयर जो चाहते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया चले, पूरी रात भर कम से कम 10 से ज़्यादा बार उन्होंने कोशिश की कि वोट हो, ये अपने आप में एक बड़ा मिसाल है। और ये भारतीय जनता पार्टी को एक आईना भी दिखाता है कि उनको बैठ के वोटिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू। तो देखिए यहाँ सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है कि दरअसल हार को नहीं पचा पा रही है भारतीय जनता पार्टी, और उसके बाद इस तरह की तस्वीरें आई हैं। बहरहाल देखिए दोनों आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन सदन में ये तस्वीरें जो आई ये वाकई शर्मसार करने वाली थी। दिल्ली में एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में फिर से हंगामा हो गया, और इस दौरान आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों के बीच झड़प हो गई। इसी बीच सदन से बीजेपी उम्मीदवार रेखा गुप्ता ने वीडियो जारी कर आम आदमी पार्टी के पार्षदों पर गुंडागर्दी और तानाशाही का आरोप लगाया। मेयर ने जब स्टैंडिंग कमेटी मेंबर का चुनाव शुरू करवाया तो उसमें उन्होंने मोबाइल अलाउड कर दिए, जिससे कि सीक्रेट बैलेट, सीक्रेट वोटिंग का जो नियम है उसका उल्लंघन हुआ। उसके बाद स्वयं ही अपने आदेश को रद्द करके कि अगले वोटों में, जबकि 45 वोट कास्ट हो चुके थे, कि अगले वोटों के लिए मोबाइल नहीं लेके जाएंगे, और वो 45 वोट जिसमें सीक्रेट वोटिंग का नियम का उल्लंघन हुआ, जो एक्सपोज हुए, उनको कराया गया। अब हमारी डिमांड केवल इतनी है कि फेयर चुनाव होने चाहिए, और वो अपने शिखर अड़े हैं और वो लगातार हाउस को पोस्टपोन कर करके, अर्जेंट कर करके बार बार मेयर यहाँ से चली जाती है। तो सुना आपने, ये रेखा गुप्ता हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने मेयर उम्मीदवार के तौर पर उतारा था। फिलहाल इन्होंने भी आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी की ओर से देखिए किस तरह से गुंडागर्दी की गई है। लेकिन सवाल यह है कि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। दरअसल स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होना था, जिसको लेकर ये कहा गया कि मोबाइल फोन की परमिशन पहले मेयर की ओर से दी गई, जो कि सीक्रेसी मेंटेन नहीं करी। ऐसे में देर रात शेरी ओब्रॉय की ओर से ट्वीट किया गया कि महिला मेयर पर हमले की कोशिश की गई है। ऐसे में देर रात तक ये नॉनस्टॉप महाभारत चलता रहा। फिलहाल आज देखना है कि जब ये बैठक होगी दोबारा तो आखिर किस तरह से स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव जो है वो संपन्न होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी बड़ा आरोप लगा रही है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी अपनी हार से हताश हो गई है, और उसके बाद वो हार को डाइजेस्ट नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद ये तस्वीरें देखने को मिली है। बड़ा जनादेश दिया आम आदमी पार्टी को, और इतनी बड़ी जीत के बाद एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार दिल्ली में मेयर का चुनाव नहीं होने दिया। दिल्ली के लोगों के जनादेश को नहीं माना, उसको कुचल दिया। सर्वोच्च न्यायालय गए हम लोग,
सर्वोच्च न्यायालय से आदेश आया कि भाई तीन चुनाव एक दिन में कराइए, एल्डर मैन को वोटिंग राइट नहीं है और सिर्फ मेयर आगे का चुनाव कराएगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे डिप्टी मेयर का चुनाव और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हमारी मेयर करा रही है, और उस महिला मेयर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद इस प्रकार से हमलावर हो रहे हैं जैसे उसकी जान लेने पे उतारू है। गुंडागर्दी की पराकाष्ठा देखने को मिली आज इस सदन में। ऐसा दृश्य मेरे ख्याल से कभी दिल्ली के एमसीडी का इस सदन नहीं देखा होगा जैसा आज इस सदन ने देखा। दिल्ली देश की राजधानी है और यहां से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी यह संदेश दे रही है कि वो गुंडों की पार्टी है, लफंगों की पार्टी है, वो अराजकता फैलाना चाहती है, वो जनता के जनादेश को नहीं मानती, वो महिला पार्षदों का सम्मान नहीं करती, महिला मेयर कैसे उस कुर्सी पे बैठ गई ये उनको नहीं पच रहा है। भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से एमसीडी के चुनाव ठीक से नहीं होने देना चाहती, चाहे मेयर का चुनाव हो, डिप्टी मेयर का चुनाव हो, स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हो। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही आज मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हो पाया, लेकिन मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी शुरू हो गई है और वो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं होने दे रहे हैं। हर बार स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव की वोटिंग शुरू होती है, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद गुंडागर्दी शुरू कर देते हैं, गाली गलौज शुरू करते हैं, और अब सारी हदें पार करके भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने दिल्ली की मेयर शेली ओबेरॉय पर हमला कर दिया। और ना सिर्फ महिला पार्षदों ने, शिखा राय जी खुद चढ़ी, पुरुष पार्षदों ने भी स्टेज पर जाकर शेली ओबेरॉय जी पर हमला करने की कोशिश करी। तो आपने देखा कि किस तरह से हंगामा हुआ। इस बीच दिल्ली की मेयर शेली ओबेरॉय ने ट्वीट कर कहा कि मुझ पर हमले की कोशिश की गई, बीजेपी पार्षदों ने मुझ पर हमले की कोशिश की, महिला मेयर पर हमले की कोशिश। देखिए, ये जो ट्वीट किया गया दिल्ली की मेयर की ओर से, उसे रिट्वीट कर मनीष सिसोदिया ने कहा किस तरह से मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हार चुकी बीजेपी अब स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में गुंडागर्दी पर उतर आई है, कई घंटे से इन्होंने सदन चलने नहीं दिया है। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से भी ट्वीट किया गया, उन्होंने कहा कि बहुत ही शॉकिंग है ये और बिल्कुल भी इसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, इस बात को नहीं स्वीकारा जा सकता है। जिस तरह से हाथापाई की तस्वीरें जो हैं वो आई हैं, और खासकर दिल्ली के जो मेयर हैं शैली ओबेरॉय, उन्होंने कहा कि महिला मेयर पर हमले की कोशिश की गई। संजय सिंह, उनकी ओर से भी ट्वीट किया गया। आम आदमी पार्टी की महिला मेयर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमला किया गया है, गुंडागर्दी चरम पर है। नॉनस्टॉप यह हंगामा देखिए देर रात चला है और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर यह हंगामा हुआ। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सदन की ये तस्वीरें हैं, शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें हैं, क्योंकि ये जनप्रतिनिधि हैं जो इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। दिल्ली नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में देखिए आम आदमी पार्टी को बड़ी जीत मिली। मेयर पद पर आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय और डिप्टी मेयर की सीट पर आले मोहम्मद इकबाल ने बड़ी जीत दर्ज कराई, और उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होना था जहां पर हंगामा शुरू हुआ। देखिए आम आदमी पार्टी का कहना है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी की ओर से सदन की कार्यवाही जो है उसे नहीं चलने दिया गया। यहाँ पर बड़ा आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि जो बीजेपी के पार्षद थे वो अपने जो वोट है उसका फोटो क्लिक कर रहे थे, और उसके बाद उन्होंने जब हंगामा बढ़ता देखा तो वो
बैलेट पेपर को अपने साथ ले गए, यानी एक बड़ा आरोप बूथ कैप्चरिंग का लगाया जा रहा है आम आदमी पार्टी की ओर से भारतीय जनता पार्टी पर। आम आदमी पार्टी के विधायक आतिशी की ओर से भी ट्वीट किया गया और बताया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने गुंडागर्दी की है। इस पर बीजेपी की पार्षद शिखा राय की ओर से भी कहा गया कि देखिए हम वेल में जरूर आए थे, लेकिन जो तस्वीरें आ रही थी वो शर्मसार करने वाली थी। अब सवाल यह है कि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर हमले का आरोप लगा रही हैं। सदन में हंगामा ही देखने को मिला। दिल्ली को चौथे प्रयास में महापौर तो मिल गया, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव जो है वो अभी भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं एमसीडी में जिस तरह से महाभारत देखने को मिला। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर सदन से ऐसी शर्मसार करने वाली तस्वीरें क्यों आई और कब तक ये तस्वीरें लगातार इस तरह से आती रहेंगी।